हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस टेरल C2IELTS से आपके लिए एक ताज़ा और कन्फर्म्ड न्यूज़ लेके आया हूँ इंडिया में होने वाले IELTS एग्जाम्स के रिलेटेड। जहाँ कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी 9 मई तक कैंसिल हो चुके हैं, वहीं IDP ने जो अपना पेन पेपर एग्जाम 8 मई से प्रीपोन करके 6 मई को किया था, अभी वो भी कैंसिल हो चुका है और उसकी मेल्स स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रिसीव हो रही है। इसी से हमें एक और इन्फॉर्मेशन आई है कि जो 27 मई तक के एग्जाम्स हैं वो सभी कैंसिल होने की उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सो अगर आप अपना पेन पेपर एग्जाम बुक करने की सोच रहे हैं तो उसे 27 मई का बुक कीजिए और उससे पहले नहीं। इसके साथ ही करंट पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए पिछले साल जो पेन पेपर एग्जाम था वो 16 जुलाई को रिज्यूम हुआ था, जबकि जो कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम थे वो उससे एक महीना पहले 15 जून से हो रहे थे। तो ये जो कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके बारे में हम अपनी डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी डालेंगे। आप अगर हमारी आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ उन्हें कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। थैंक यू।